इसलिए आप साथियों को यहाँ बुलाया गया है कि जो शहर में बारिश हुई है बहुत ही भयंकर बारिश हुई है, लगभग 32 साल के बाद ऐसी बारिश शहर में। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना काम बखूबी बड़ी मेहनत के साथ कर रहा है। जो हमारे नाले हैं शहर के उनको डिसिल्टिंग करने का सफाई का काम हम लगभग फरवरी महीने से स्टार्ट करते हैं, तो जून जुलाई अगस्त तक चलता रहता है। इस बार भी वो काम बड़े जोर शोर से किया गया। पहले हमारा ट्रांसपोर्ट विंग एक ही होता था, उसको दो भागों में बांटे, उसके दो डिवीजन करके हमने उस काम को बांटा ताकि बढ़िया से बढ़िया काम हो और काम अच्छा भी किया है। बेड हमने नालों के निकाल, लेकिन बारिश इतनी भयंकर हुई है, उस बारिश के कारण नाले जितने बड़े हुए हैं वो जितना कैटर कर सकते हैं पानी उतना उन्होंने कैटर किया। कई जगह में और भी कोई दिक्कत आई है जहां नाले कवर्ड हुए हैं, वो भी हमें कंप्लेंट मिली, जैसे नानगढ़ का एरिया है या कोई और हमारी पुरानी कलवर्ट्स बनी हुई है मेन स्टाफ में, लास्ट रोड गांधीनगर में, जयजीवन नगर में। तो ये सब काम को लोगों के जो सुझाव हमें आए हैं ऑन स्पॉट हम लोगों ने जाके देखा है। मैं स्वयं बारिश में भी, मेरे साथ हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जुगुचोर शर्मा जी, नानगढ़ का क्षेत्र, बाकी सारे क्षेत्र में हम लोग गए और जहां पानी आया था, बाढ़ आई थी, उस घर घर जाके जहां लोगों की चारदीवारी में टूटी हुई थी, सब लोगों का यही सुझाव आया वो नाला कवर किया गया है, उस नाले को तोड़कर उस नाले को ओपन करेंगे और जहां जहां नाले ओपन है वहां कम पानी आया। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जो एक्शन साहब है उनको वहां लाया गया है, राजन जी को। जो कलवर्ट्स हमारी पुरानी 30-40 साल से बड़ी है, काफी ढोंड हो गई है, रोड ऊंचा हो गया है, पानी काफी बढ़ गया है, उनको भी कलवर्ट को भी हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह कल हम सब लोग, मेयर मेरे साथ, ऑनरेबल डिप्टी मेयर, हम चेयरमैन माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा से मिले थे और जम्मू शहर के लिए जो ये जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है ये बात रखी थी। गवर्नर साहब ने हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि इसकी आप डीपीआर तैयार करिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए जल्द से जल्द जो फंड है वो रिलीज किए जाएंगे। मैंने तो उनको कहा था कि जब तक 1000 करोड़ रूपये हमारे पास आए तब हम जम्मू शहर के नालों को ठीक ढंग से चला सकते हैं। हम इसकी डीपीआर कंसेंट्रेट हायर करके इमीडिएट आप डीपीआर बनाएंगे और जल्द से जल्द सरकार से पैसा लेके ताकि आने वाली बरसात में लोगों के घरों में पानी ना जाए उसका प्रयास करेंगे। हमारी सबसे अगर कोई पहली प्रायोरिटी है जम्मू शहर की, बाकी सब काम चल रहे हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को, जब से ये शहर बना है इस शहर की अर्बन प्लानिंग नहीं हुई है, ड्रेनेज सिस्टम का कोई डीपीआर नहीं तैयार हुई है, इसके अलावा और भी जो नाले हैं उनकी भी डीपीआर नहीं तैयारी हुई, जो नाले तभी में जा रहे हैं उनकी हमने डिगे, तो उसका काम आगे वो चलेगा। इसी तरह मेन फोकस आज मीडिया के माध्यम से यही जम्मू वासियों को हम विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही हमारी डीपीआर बढ़ेगी और पक्का जब सरकार से पैसा आ जाएगा उस काम को हम बखूबी करेंगे और अगली बरसात तक प्रयास करेंगे कि लोगों के घरों में पानी ना जाए, लेकिन तब तक जहां जहां आम जहां कोई नाला कवर्ड है उसको तोड़ के राहत मिल सकती है, या नाले ब्लॉक होते हैं, कोई पानी की पाइप है, या कोई जियो की कोई पाइप है और कोई टेलीफोन की पाइप है, जहां जहां कोई उस चीज को रिमूव करना होगा उसका काम हम करेंगे बखूबी करेंगे। और दूसरा हमने उनसे ये कहा है कि जो जेडीए डिपार्टमेंट है, जेडीए डिपार्टमेंट जम्मू शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सारी जमीन जेडीए को दे दी है, जेडीए कॉलोनी बनाता है, जेडीए फ्लैट बनाता है, जेडीए मार्केटें बनाता है, लेकिन उसकी सफाई नहीं करता। जब मैं अगर ट्रांसपोर्ट नगर की एग्जाम्पल दूं, वहां पर जम्मू हमारे यूटी के 10-20 डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, सब्जी मंडी में 20 डिस्ट्रिक्ट के, वो क्या प्रश्न लेके जाते हैं, वो भी हमने कहा है कि जो ऐसी मार्केटें हैं उसकी लाइबिलिटी एंड असेस्ट हमें दे दें, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर दें ताकि उसकी हम सफाई भी कराएं, उसका सिस्टम भी ठीक करें, ये भी हमने गवर्नर साहब से कहा है। और गवर्नर साहब से ये भी कहा है, और जो पहली बार बनी है पूरे देश में आज हाउसिंग फॉर ऑल का काम हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन, उसमें हाउसिंग फॉर ऑल में बहुत सी दिक्कत आ रही है। जो हमारे वाइलाज हैं कि 10 फुट की जो नीचे वाली गली है वहां बिल्डिंग परमिशन नहीं देते, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल के लिए प्राइम मिनिस्टर इसके लिए पैसा ले रहा है उसका नक्शा नहीं पास होता। कोई वो जो गरीब भाई बहन है हमारा, उसकी गली 2 फुट 4 फुट 6 फुट है, ये भी उनसे प्रार्थना की है कि वाइलाज से छूट दी जाए, जो भी हाउसिंग फॉर ऑल के लिए कोई पैसा लेने की कोशिश करे, वो सी फाइलें हमारे पास पेंडिंग पड़ी है 7 फुट 8 फुट 9 फुट वाली, हम होश में भी इसको रख के इसकी परमिशन लेने की होश से प्रयास करेंगे और आने वाले समय में, ताकि हाउसिंग फॉर ऑल जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, हर घर के किसी भी के पास कच्ची छत हो पक्की छत हो, उसकी तरफ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या अर्बन एरिया में हमारा आम लोग बढ़ सके, इसके लिए भी हमने कल गवर्नर साहब से गुहार लगाई है। तीसरा काम हमने जो
हम लोग जब मूव करते हैं गलियों में नालों में, जैसे लड़ाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं अपने साथी, वो इमीडिएट उस झगड़े के लिए कम से कम एक एक पीएसओ, जो हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हैं, उनको एक एक पीएसओ मिलना चाहिए। उसके लिए बार बार हम बात कर रहे हैं, गवर्नर साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि उसके लिए भी मैं पूरा प्रयास करूंगा। और शहर के अंदर जो हमारे पास स्टाफ की कमी है, उसके लिए रीऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने पहले भी फाइल भेजी हुई है, पहले भी वो काम चल रहा है, उसके लिए भी कहा है। अगर मैं उसकी बात करूं कि अगर हमारे पास जो है 2437 है, उसमें हमारे पास अभी जो एग्जिस्टिंग है 1388 लोग काम कर रहे हैं, 1000 खाली पड़ी हुई है। हमने कहा कि हम कैसे अपना सारा काम चला सकते हैं, उन पोस्टों को भर सके, और हमारा काम जम्मू शहर का, जो जम्मू शहर है स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, जो जम्मू शहर आज एक एजुकेशन हब है, जम्मू शहर जो है आज मेडिकल हब है, जम्मू शहर आज मंदरू का शहर है, जम्मू शहर आज जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो एम्स की बात करूं, आईआईटी की बात करूं, आईएम की बात करूं, केंद्रीय यूनिवर्सिटी की बात करूं, संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करूं, पुरानी यूनिवर्सिटी की बात करूं, आज जम्मू शहर इतना बढ़ रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जम्मू शहर में आ रहे हैं, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, और सारा उसका लोड जहां पर है, जितनी माइग्रेशन होती है जम्मू कश्मीर से या बाहर से, वो भी जम्मू शहर को, शहर की तरफ कश्मीर यूटी है। यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए कितने यात्रु आते हैं, यहाँ और बड़े बड़े यहाँ पर श्राइन्स हैं, निगाली साहब की बात करो, शाहदारा शरीफ की बात करो, या और भी उसके लिए जो बेस कैंप है बुढ़ा अमरनाथ, वो जम्मू ही है। जम्मू से ही, जम्मू हिंदुस्तान का जो भी कोई आएगा जम्मू से ऑपरेशन लेके जाता है। जम्मू शहर है स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, भले ही बहुत से साइनिस्ट इलाके हैं और काम स्मार्ट सिटी के हो रहे हैं। आज जम्मू शहर में आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के और भी 400-500 करोड़ के टेंडर लगने जा रहे हैं। तवी रिवर फ्रंट भी हमारा 75 करोड़, उसके लिए भी मुझे लगता है सेक्शन कर रहे हैं। आर्टिफिशियल लेक भी आगे बढ़ेंगे। गंडोला एक फेज चल रहा है, दूसरा फेज मुझे आइडिया है कि इसी हफ्ते चलेगा। जम्मू जू पे काम चल रहा है, मुबारक मंडी पे काम चल रहा है, सुरेंद्र बॉर्डर के लिए कितने में काम गिना सकता हूँ, सुनुसार मानसर के लिए, हमारे प्रमंडल उत्तरवैनी के लिए, हमारे इंटरनेशनल योगा सेंटर जो मानतलाई में बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, उसका आने वाले समय में काम शुरू होगा। नेफेड करके एक एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 80 करोड़ रुपया वो लगा रही है, 20 करोड़ हमारी जेएनके गवर्नमेंट लगा रही है। तो आने वाले समय में 350 मीट्रिक टन जो गार्बेज शहर का होगा, कूड़ा होगा, वो वहां प्रोसेस होगा, उसे सीएनजी गैस बनेगी और अलग अलग तरह की खाद बनेगी, कुछ केमिकल्स बनेंगे, ताकि जम्मू वासियों को, जम्मू शहर को ये राहत मिलेगी। एक बात उन्होंने और कही है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसके कारण जो नाले चौक होते हैं, हमारी ड्रेन चौक होती है, उसके ऊपर उन्होंने बोला कि एक स्पेशल ड्राइव 15 दिन की आप इसके ऊपर लीजिए, ताकि इस चीज से भी जम्मू शहर को प्लास्टिक मुक्त करना है, उसके ऊपर भी काम करना है। हमारे साथ लोग आए हैं, 2.5 साल हो गए हैं, हमने लगभग 200 ऑटो आज काम कर रहे हैं घर में, गार्बेज को भगा दिया, गार्बेज नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र है, कमी तो है। हमने 600 सफाई कर्मचारी को भर्ती करना है, उसका प्रोसेस कारणवश लेट हो गया, यहाँ स्टाफ ट्रांसफर हो जाता है कोई ना कोई, तो बहुत जल्द इसी महीने में उसका काम हम शुरू कर रहे हैं। जैसे ही 600 सफाई कर्मचारी, सफाई साथी हमारे साथ और जुड़ेंगे जम्मू शहर में, तो सफाई का काम और बेहतर होगा। दूसरा, जो गांधीनगर का क्षेत्र है हमारा तवी पार्क का, उसको हम आउटसोर्स कर रहे हैं, वो भी उसका भी उसका टेंडर हो गया, एलिमेंट हो गया है, वो भी लगभग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी आने वाले समय में, उसके तहत भी हम बंधु रख जो है हमारा वहां एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट लगाएंगे। और पूरी बात नहीं है, कमियां हैं, पिछले 72 सालों में जब से हम लोग आजाद हुए हैं, 73 साल हो गए हैं, जम्मू कश्मीर ये एक ऐसी स्टेट थी जहाँ जो यूटी है, जहाँ 4 बार लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं, लेकिन बाकी देश की बात करूं तो वहाँ 14 चुनाव हुए हैं, जहाँ 14 चुनाव हुए हैं वहां के रिजल्ट कुछ आएंगे, जहाँ 4 चुनाव हुए वहां के रिजल्ट कुछ आएंगे, तो वो पूरे देश में 2.5 साल पहले लग चुके थे। जम्मू कश्मीर में हमने आने के बाद प्रयास किया है, बहुत मेहनत करके, गवर्नर साहब से बात करके, बार बार बात करके, आज वो अमेंडमेंट यहाँ लागू हुई है, उसके कारण बहुत से डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के हमारे पास कॉर्पोरेशन में आए हैं, चाहे पीएचई की बात करूं, चाहे अर्बन फैसिलिटी की बात करूं, चाहे हेल्थ के कुछ सब सेंटर आए हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आया है, और बहुत से डिपार्टमेंट आने वाले समय में हमारे पास आएंगे जम्मू मुंसिपल, क्योंकि शहर की जो तकलीफें हैं वो हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेट के चुने हुए नुमाइंदे जानते हैं, और इसलिए वो गली गली से लोगों से डायरेक्ट उनका रब्ता होता है, लोगों का उनके साथ होता है, गली गली वो जानते हैं कि घर की उनको जानकारी होती है। इसी तरह आने वाले समय में हर दिन कोई ना कोई कमी को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह हमने गवर्नर साहब से अपील की है मेन ड्रेनेज सिस्टम के लिए, नालों के लिए ही, मुझे आशा है कि जो पैसा हमने उनसे मांगा है वो हमें पैसा आएगा,
हम आने वाली बरसात जो होगी अगले साल की उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू शहर में बिजली की और पानी की कमी ना हो और रेनी सिस्टम हमारा ठीक हो, लोगों के घरों में पानी ना जाए, लोगों को हम राहत दे सके। आने वाले समय में जम्मू शहर हमारा जो है पूरे हिंदुस्तान के वो नक्शे पे एक नंबर पे हो, जिस तरह मैंने कहा ये गेट वे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जुटी है शहर को, उस तरह हम धीरे धीरे अच्छी तरह ले जाएंगे।